नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन वीडियो पेश करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? ऐसे कि जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं A to Z सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया है। जो मैं बताऊंगा गौर से सुनिए, अमल कीजिए, फायदे में रहेंगे आप। आपने देखा होगा अभी एक फैशन चल रहा है वॉकिंग का, मॉर्निंग वॉक हो इवनिंग वॉक हो, निकल पड़ते हैं। घर की औरतें हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, निकल पड़ते हैं सुबह सुबह या शाम को ग्रुप करके बातें करते करते वॉकिंग पे, सैर करने के लिए निकल जाते हैं। मैं देख रहा हूं हमारे जो इस एरिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग निकल रहे हैं। आई थिंक सो कि हर एरिया में ये ट्रेंड अभी भरपूर बढ़ रहा है, आपकी तरफ फैल रहा है। ये एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है कि चलो वॉकिंग कर लो। डॉक्टर भी कहते हैं अरे भाई तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गया है, वॉकिंग करो। लेकिन क्या सच में वॉकिंग करने से डायबिटीज, बीपी, वेट लॉस होता है कि नहीं होता, उसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। और अगर होता भी है तो कैसे होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, मैं वो बारीक से पॉइंट आपको बताऊंगा। सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात है, मुझे ये क्यों दिमाग में आया बनाने के लिए, मेरे पास दो पेशेंट आए थे, उन्होंने वेट लूज करने के लिए बहुत सारी दवाई ली। डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने उनको कहा एलोपैथिक के, वॉकिंग करो तुम्हारा वेट लूज होगा, लेकिन खाने पीने का कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा, नॉर्मल से बता दिया लो कैलोरी वाला डाइट खाओ। अब वो इंसान क्या समझेगा लो कैलोरी वाला डाइट, वो नॉर्मल जैसे खाने का खाता रहा, फिर उसके बाद वॉकिंग भी करता रहा सुबह शाम एक एक घंटे, लेकिन उसका वजन कम होने की वजह बढ़ता चला जा रहा। जब वो होम्योपैथी में हमारे पास आया तो हमसे पूछा कि सर मैं तो 2 बार वॉकिंग करता हूं फिर भी मेरा वेट तो रिड्यूस हो नहीं रहा है, पहले 60 किलो था फिर 65 हो गया फिर अभी 68 किलो हो गया है, तो इतनी बढ़ोतरी हो रहा है, मैं वॉकिंग कर रहा हूं एक एक घंटे सुबह शाम करके, फिर भी ये क्यों बढ़ रहा है। डॉक्टर ने तो कहा था कि वॉकिंग करो तुम्हारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, बीपी कंट्रोल ही नहीं होता, डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं होता, वॉकिंग कर रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस अभी हैं जो रोज सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा वॉकिंग करते हैं लेकिन वेट रिड्यूस नहीं होता, बीपी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, क्यों नहीं होता। क्या ये झूठ है कि वॉकिंग करने से ये सब जो कम हो रहा है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्या वो गलत है? सोचने वाली बात है। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। डॉक्टर सही है, वॉकिंग करने से बीपी भी कंट्रोल होता है, डायबिटीज भी कंट्रोल होता है, वेट भी रिड्यूस होता है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ साथ कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना होगा। जैसे कि अगर आप वॉकिंग करने जा रहे हैं, सिर्फ वॉकिंग करने से उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपका अगर डाइट ठीक नहीं है, आप अगर ठीक से कैलोरी वाला डाइट नहीं खा रहे हैं जो कि हाई कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, चावल, ऑयली आइटम्स, घी, ये सब हाई कैलोरी होता है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे बात हुई थी एक डायबिटीज पेशेंट से, हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो, तो उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रहा था, हमने वो तमाम 1 महीने से दवाई दे दी सारे के सारे, 20 बूंद दिन में 3 बार खा रहे थे वो सीजीएम जिम में, फिर भी कंट्रोल में नहीं हो रहा था।
तो जब मैंने उनसे बोला कि आप अपना डाइट चार्ट दीजिए क्या क्या खा रहे हैं, तो उन्होंने बोला सुबह एक बड़ा कप दूध पीता हूं। किसका दूध? भैंस का दूध, हाई कैलोरी वाला डाइट। दूसरी चीज है, और क्या खाते हैं? 12 एक बजे पराठा खाते हैं। पराठा देसी गाय और कोई भी गाय का या भैंस का जो घी आता है, घी लगाकर पराठा खाते हैं, अगेन हाई कैलोरी। उसके मुकाबले में वो काम क्या करते हैं? ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। तो क्या उनका जो कैलोरी इंटेक हुआ वो ठीक से एक्सपेंडिचर हुआ? नहीं हुआ। जो बचा हुआ कैलोरी बॉडी में रहेगा, जो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो तो बॉडी को खराब करेगा ही। ऐसे ही हो रहा था, चाहे वो डायबिटीज करे, चाहे बीपी के बढ़ोतरी करे या वेट बढ़ाए, कुछ ना कुछ तो खराब करेगा ही। चाहिए आपको कंट्रोल में खाना खाए, ठीक कैलोरी वाला डाइट खाए, फाइबर वाला आइटम ज्यादा खाए, और सिर्फ वॉकिंग से कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं स्टाइल मारने के लिए बस वॉकिंग करते हैं, आपस में बातचीत करते 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 वॉक करते हैं, ऐसे आपका कभी कोई डिजीज कंट्रोल नहीं होता। वॉकिंग करिए, चुपचाप वॉकिंग करिए, नॉर्मल से वॉकिंग करिए, बहुत फास्ट वॉकिंग करिए। आपस में 5 दोस्त मिलकर बातचीत करते करते अगर आप वॉकिंग करेंगे तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन आप नहीं ले पाएंगे। जो ऑक्सीजन जरूरी होता है आपके वेट को रिड्यूस करने में, आपके बॉडी के जो फैट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ऑक्सीडेशन करके उसको खत्म करने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है, अगर आप बात करते हुए जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा आपको, जो कि बॉडी के लिए और भी खतरा हो जाएगा। आपने देखा होगा 3-4 दोस्त, वो चाहे औरतें हो, बूढ़े बच्चे हो या जवान हो, 3-4 दोस्त मिलकर वॉकिंग करने चले जाते हैं। खैर बच्चे तो कम जाते हैं, वो ज्यादा खेल कूद करते हैं, खास करके औरतें जो महिलाएं होती हैं उनको तो बातचीत करने का बहाना चाहिए, चाहे वो वॉकिंग करें या कोई दूसरा काम करें। 4-5 मिलकर निकल जाते हैं वॉकिंग करने सुबह या शाम को, और तेरे घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, उसने क्या किया, आस पड़ोस में क्या हुआ, यही सब चर्चा चलती है उनके अंदर। वॉकिंग की बात ध्यान से हट जाता है, बस आपस में घर घर की बात वो चल जाती है। उसीलिए उनका मेन मोटिव वही होता है कि मैं आज वॉकिंग पे जाऊं तो उसको बताऊंगा या उसको बताऊंगी कि हमारे घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ वो सुनूंगी या सुनूंगा, हमारे आस पड़ोस में क्या क्या चर्चा हो रही है, किसके घर में क्या घट रहा है, ये जानने को मिलेगा। वॉकिंग इसीलिए होती है आजकल। इससे कोई वेट रिड्यूस नहीं होगा, कोई बीपी, कोई डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ही नुकसान होगा। पैरों का दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, और घर आके थकार के सो जाएंगे कि मैंने एक बड़ा काम कर लिया, वॉकिंग कर लिया 1 घंटा, रिजल्ट एक बिग 0। ऐसे ना करें, ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाटिज्म ही आएगी इसे वॉकिंग से, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर सच में आपको वेट रिड्यूस करना हो, खाना पीना प्रॉपरली करिए, लो फैट डाइट खाइए, लो कैलोरी वाला डाइट खाइए, जिससे पचने में बहुत ही आसानी हो। एक्सरसाइज करिए, जिसमें पूरा सर से लेकर पांव तक जो जितने भी मसल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन हो। आप वॉकिंग करते हैं सिर्फ पैरों का एक्सरसाइज होता है, और बॉडी के दूसरे जहां पर भी मसल्स होते हैं उनका एक्सरसाइज कहां होता है? वेट कैसे रिड्यूस होगा आपका? जॉगिंग करिए, वॉकिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो जॉगिंग करिए, एक जगह पर खड़ा होकर जॉगिंग करिए, स्पीड में जॉगिंग करें, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको।
ना कि वॉकिंग करते हुए बातचीत करके, घर घर का जो डिस्कशन है, आस पड़ोस का जो डिस्कशन है, उससे कुछ नहीं होता और 10 बीमारियां आप ले आएंगे। ऐसे कई बार मैंने देखा है उस डिस्कशन में घर घर में झगड़ा होता है, आस पड़ोस की बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है कुछ लोगों का, घर में झगड़ा होता है उनका। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, सोसाइटी के लिए एकदम खराब है, ये बंद होना चाहिए। अगर आपको वॉकिंग करना है चुपचाप अकेले बिना किसी के साथ रहे, सिंगल से वॉकिंग करें और डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें, धीरे से लंबा सांस ले, लंबा सांस छोड़े जब आप चलते हुए जा रहे हैं, वॉकिंग तेजी से करें ताकि जो ऑक्सीजन आप अंदर ले फेफड़ों में, वो आपके जो एक्स्ट्रा फैट या डिपॉजिट हुआ है चर्बी के रूप में, उसको खत्म कर सके। वो अगर नहीं होता, अब सिर्फ बातचीत करके हो जाएंगे तो उल्टा असर पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जो नया ट्रेंड बन रहा है वॉकिंग का, शरीर के लिए खराब है, कुछ नहीं होता इसमें, कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में ना करें। अगर आप 2-3-4 आदमी मिलते हुए भी जा रहे हो तो बिना किसी से बात किए हुए सिर्फ अपने बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके वॉकिंग करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अकेले हमेशा जाए, दोस्तों के साथ ना जाए, दोस्तों के साथ जाते हुए भी किसी से ना बात करके डीप इनहेल डीप एक्सहेल करके धीरे से गहरा सांस ले, गहरा सांस छोड़ते हुए आप आगे बढ़े। इससे आपके बॉडी में जो खराब टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे। तो ये बात सबके लिए महत्वपूर्ण है, अगर इसे पालन करेंगे तो श्योर आपका वेट रिड्यूस होगा, नहीं तो चाहे आप कितनी भी दवाइयां खा लो, मैं ये गारंटी देता हूं आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। 3 चीजों की जरूरत है वेट रिड्यूस करना है तो, एक्सरसाइज प्रॉपरली, कंट्रोल योर डाइट एंड टेक प्रॉपर मेडिसिन। 3 चीजों के बिना वेट रिड्यूस नहीं होता और 4-5 बीमारियां आपको ग्रसित कर लेंगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, और देखते रहिए। जो हमारे नए मित्र हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मैं पेश करने वाला हूँ, देखते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल।